तमाम कलीसिया जो इस वक्त मुझे पीपीसी चैनल पर देख रहे हैं, खुदा का खादम होते हुए आप तमाम कलीसिया के लिए आप सब की बरकत और सलामती की दुआ चाहूँगा। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने मुझे जो बरकत दी है मीडिया के ज़रिए आप तक मैं खुदा का कलाम और उसकी जो परस्तिश आप सब सुनते हैं। आप सब तमाम कलीसिया से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे लिए, मेरी पूरी पीपीसी चैनल की टीम के लिए दुआ करें ताकि मैं इसी तरह खिदमत में आगे बढ़ता जाऊं। इन क्रिसमस डे में मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सारे चर्चिस जो अपनी क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं और बहुत सारे चर्चिस खादमीन जो पास्टर हैं वो हमें अपने चर्चिस में दावत देते हैं क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए, ताकि हम उनके जो क्रिसमस प्रोग्राम है वो हम अपने टीवी पर चलाते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं अपनी तमाम पीपीसी चैनल की टीम का भी जो मेरे साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद आप लोगों को भी बहुत सारी बरकत दे। और आज मैं अपनी पीपीसी चैनल की टीम के साथ बड़े क्लार्काबाद घनिया की के करीब एक वहां पे आज चर्च का एक प्रोग्राम है, तो आज हम वहाँ पे एक क्रिसमस प्रोग्राम हो रहा है और हम उस प्रोग्राम को भी देखेंगे और वहाँ पे बच्चे अपने क्रिसमस एक्शन सॉन्ग भी जो है वो पेश करेंगे और खुदा के खादम से हम आज का जिंदा कलाम भी सुनेंगे। तो मैं अभी रायमंड रोड पर मौजूद हूँ और कुछ ही लम्हा बाद हम बड़े क्लार्काबाद में जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे जो क्रिसमस प्रोग्राम है उसकी तमाम जो नशरियात है उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो पीपीसी चैनल के ज़रिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। सो इसी तरह बहुत सारे जो खादमीन संडे स्कूल की टीचर हैं, कलीसिया हैं, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने क्रिसमस प्रोग्राम आप टीवी पर देना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ रابطہ करें ताकि आपके प्रोग्राम में वो पीपीसी चैनल पर चल सके। और ख़ास तौर पर मैं अपने कलीसिया बहन भाई से गुजारिश करता हूं, आप तक मैसेज पहुंचा रहा हूं कि आप अपने हदिया जात जो हैं वो पीपीसी चैनल को दें ताकि मैं पीपीसी चैनल की जो नशरियात है और अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे। हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो, हैप्पी वड्डा दिन, ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो, हैप्पी वड्डा दिन, अज खुशियां मनाओ नल पंगड़े पाओ, अज खुशियां मनाओ नल पंगड़े पाओ, चरण विच है डेरा लाया, चरण विच है डेरा लाया, मजूसी आए ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो, हैप्पी वड्डा दिन, ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो, हैप्पी वड्डा दिन। मां मरियम दी खुशी नु वेख के यूसुफ भी मुस्काया, चन तारे है सजदा कर दे वेखो नूर है आया, चन तारे है सजदा कर दे वेखो नूर है आया। मां मरियम दी खुशी नु वेख के यूसुफ भी मुस्काया, चन तारे है सजदा कर दे वेखो नूर है आया, धरती उत्ते आया वेखो, धरती उत्ते आया वेखो, पढ़ के किंगो किंग, ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो, हैप्पी वड्डा दिन, ओ हैप्पी वड्डा दिन ओ यारो, हैप्पी वड्डा दिन। बल्ले बल्ले भैया मेरा मियां जी आया, शाबा शाबा भैया के ओने आड़ बचाया, बल्ले बल्ले बागानू है पानी लाया, तेरे मेरे उजड़े बागानू है पानी लाया, तेरे विगड़िया बातानू ओ
मसीह यसु के अजीम बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नासरीन पीपीसी चैनल के साथ मैं आप सबकी होस्ट नीलम, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नासरीन हमारी यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा खुदावंद की पनाह में महफूज रहें। नासरीन जिस तरह आप जानते हैं कि पीपीसी चैनल और उनकी टीम दिन ब दिन खुदावंद के नाम में आगे बढ़ रही है, खुदावंद की खिदमत कर रही है। आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदावंद की खिदमत करते रहें। नासरीन जिस तरह आप जानते हैं कि हमें जहाँ कहीं भी पीपीसी चैनल और उनकी टीम को इनवाइट किया जाता है, हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। इसी तरह नाज़रीन हमें बड़े क्लार्काबाद यहाँ पे, जैसे खुदा के खादम ने पहले भी बताया है कि हम बड़े क्लार्काबाद में आज जा रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत इबादत का अरेंज किया गया है। तो नाज़रीन जिस तरह दिसंबर शुरू हो गया और तमाम लोग, तमाम आदमी जितने भी हैं, वो सब दिसंबर की खुशियों में हर चर्च अपनी अपनी एक खूबसूरत इबादत का अरेंज कर रहा है। इसी तरह बड़े क्लार्काबाद में भी यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत इबादत का अरेंज किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर रियाज मसीह, उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आज चर्च की बुनियाद भी रखी है और एक खूबसूरत इबादत का अरेंज किया है। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आज इसके बारे में। जी सर, सर आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी पीपीसी चैनल की टीम की तरफ से सलाम। सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे आज आप? तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले पीपीसी चैनल का और अपने प्यारे भाई तारिक शाकिर साहब का, कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं दिल और दिल की गहराइयों से अपने प्यारे भाई के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज शाम हमारे दरमियान में मौजूद हैं। असल में यहाँ पे चर्च बनाने का मकसद ही यह है कि हम वहाँ पे पहुँचें जहाँ पे कोई नहीं जाता। तो अभी भी बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे लोग खुदा के कलाम के लिए भूख और प्यास रखते हैं, और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैंने वाबडा टाउन एम ब्लॉक का जो चर्च है मेरा, वहाँ से मैं निकला और यहाँ पर मैंने आके चर्च प्लांट करना चाह रहा हूँ। इसके लिए हमने जगह जो है वो परचेज कर ली है और हमारी कुछ थोड़ी सी रकम जो है वो अभी देने वाली है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के बंदा के लिए, उन्हें कहा कि आप यहाँ पे चर्च की तामीर कर सकते हैं। तो मैं पीपीसी चैनल के वसीला से तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि चर्च की ज़मीन हमारे पास मौजूद है, अगर खुदा आपके दिल को खोले तो मेरा नंबर या भाई तारिक शाकिर का नंबर या पीपीसी चैनल के ज़रिए आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर खुदा की शान के मुताबिक उसके घर की तामीर कर सकें और बहुत सी रूहें यहाँ पे आएँ और खुदा उनके कलाम से सेर और आसूदा हों। मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर पीपीसी चैनल का, अपने प्यारे भाई ताकिर शाकिर का, कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और वो आज शाम हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। नाज़रीन बड़ी अच्छी ही सोच रखते हुए पास्टर रियाज ने यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ मैंने ये सोचा कि मैं वहाँ पे खुदा के कलाम को लेकर पहुँचूँ ताकि लोग कुछ सीखें और नजात पाएँ और बरकत पाएँ। तो नाज़रीन इसी तरह पास्टर रियाज मसीह को और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिएगा पीपीसी चैनल। पीपीसी चैनल आप सबका अपना चैनल। तमाम कलीसिया जो इस वक्त मुझे पीपीसी चैनल पर देख रहे हैं, खुदा का खादम होते हुए आप तमाम कलीसिया के लिए आपकी सलामती और बरकत की दुआ चाहूँगा। नाज़रीन आप जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इन क्रिसमस डे में, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि हम बड़े क्लार्काबाद में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ खुदा के खादम इस प्रोग्राम में शामिल है, और अभी हम क्रिसमस केक कटिंग करेंगे, और इससे पहले कि हम केक कटिंग करें हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं। हम इनसे आज के प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे। तो सर मैं आपको अपनी तरफ से और अपने पीपीसी चैनल की टीम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। कलीसिया बहन भाई आपको पीपीसी चैनल पर देख रहे हैं, तो क्रिसमस के मौका पर आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, यकीन करना सीखें कि वो ज़िंदा है और हर सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालात बदलता है, जादूगर टूने तब इस किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ यीशु नाम जपते रहें, वो आपका है।
जी जी थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे साथ खुदा के खादम भी और भी हैं, हम से भी जानेंगे सर बहन भाई कलीसिया यूट्यूब पर पूरे वर्ल्ड में आपको देखा जा रहा है, तो इस क्रिसमस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस बात को जाने जो खुदा यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं कि अपने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है, और यीशु मसीह की पैदाइश खुदा बाप के मकसद को पूरा करती है। वो ज़मीन पर आया इंसान की सूरत में और उसने तमाम इंसानों के लिए निजात का इंतज़ाम किया। थैंक यू सर जी। और हमारे प्यारे खादम पास्टर रियाज, जिन्होंने आज का ये सारा क्रिसमस का प्रोग्राम अरेंज किया, तो सर क्रिसिया बहन भाई आपको पीपीसी चैनल पर देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सर इस खुशी के मौके पर क्लिसिया से बहन भाइयों से यही इल्तमास की जाती है कि क्रिसमस के प्रोग्राम जहाँ पे भी हों हमें खुदा का कलाम मिलता है, और खुदा का कलाम ही है जो ज़िंदगियों को बदलता है। तो यही पैगाम है कि कलाम को सुने और बरकत को पढ़ें, और पीपीसी चैनल के लिए दुआ करते रहें कि खुदा इन्हें वसाइल दे ताकि ये मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में खुदा के कलाम की बिशारा दे सके और बहुत सारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा के कलाम के बीज को बोने वाले बन सके। शुक्रिया। थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। तो इस वक्त जितने भी कलीसिया बहन भाई खुदा के खादम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने क्रिसमस प्रोग्राम पीपीसी चैनल पर देना चाहते हैं, तो ज़रूर पीपीसी चैनल के नीचे दिए गए नंबर पर रابطہ करें ताकि आपके भी प्रोग्राम पीपीसी चैनल पर चल सके। सो खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन। जी आया है तख्त लगाया है, जलाली खुदा ने अपना दिखाया है। बादशाह आया है तख्त लगाया है, बादशाह आया है तख्त लगाया है। अजीम शान शहंशाह, अजीम शान शहंशाह, अजीम शान शहंशाह चरनी में आया है। बादशाह आया है जय हो तख्त लगाया है, जय हो बादशाह आया है तख्त लगाया है। अजल से पूरा इख्तियार, नबियों को भी था उसी का इंतजार। उसका है अजल से पूरा इख्तियार, नबियों को भी था उसी का इंतजार। बादशाही का उसकी अंत नहीं, बादशाही का उसकी अंत नहीं। खुदा ने अपना दिखाया है। बादशाह आया है तख्त लगाया है, बादशाह आया है तख्त लगाया है। देखो खुदा की क्या ही अजब है रजा, देखो खुदा की क्या ही अजब है रजा, कि चरनी में आसमानी तख्त है लगा। का नाम किया ये साया ने बयान, सितारे ने दिखाया इलाही निशान। उसका नाम किया ये साया ने बयान, सितारे ने दिखाया इलाही निशान। दुनिया में छ
चमका वो नूर बन के, दुनिया में चमका वो नूर बन के, कदमों में उसके, कदमों में उसके है दोनों जहां। बाप का बेटे ने जय हो अक्स दिखाया है, जय हो बाप का बेटे ने अक्स दिखाया। तेरी कैसी खुदाई है, भेज के बेटा हमें दी रसाई है। खुदाया ये तेरी कैसी खुदाई है, भेज के बेटा हमें दी रसाई है। जो इब्ने खुदा पे ईमान ले आए, जो इब्ने खुदा पे निजात का जय हो खुद ये सुलाया है, तूफान निजात का खुद ये सुलाया है। जलाल खुदा ने अपना दिखाया है। बादशाह आया है जय हो, तख्त लगाया है जय हो, बादशाह